अपना अधिकार मांगते ये हैं बिहार के एनटीपीसी के उम्मीदवार। हजारों कैंडिडेट्स ने रेलवे की भर्ती परीक्षा को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस भारी विरोध के बाद रेलवे ने एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षा को स्थगित कर दिया और उम्मीदवारों की आपत्ति को सुनने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। तो चलिए समझते हैं आखिर क्यों रेलवे भर्ती परीक्षा को लेकर विवाद हो रहा है और किस बात से लाखों कैंडिडेट्स नाराज हैं। रेलवे भर्ती परीक्षा बोर्ड ने एनटीपीसी के लिए 2019 में 35,277 पदों की घोषणा करते हुए इसका नोटिफिकेशन जारी किया था। इसमें ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों पोस्ट शामिल थे। इन 35,000 पदों के लिए करीब 1.25 करोड़ कैंडिडेट्स ने आवेदन किया। परीक्षा की संभावित डेट दिसंबर 2019 थी, लेकिन ये मार्च 2020 तक टल गई थी। इसके बाद कोविड के चलते लगे लॉकडाउन की वजह से ये फिर स्थगित हुई और आखिरकार रेलवे ने दिसंबर 2020 से जुलाई 2021 तक 7 चरणों में सभी कैंडिडेट्स की स्क्रीनिंग प्रोसेस के लिए एक कॉमन टेस्ट लिया, जिसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 कहा गया है। परीक्षा का रिजल्ट 14-15 जनवरी 2022 को घोषित किया गया था। अब समझते हैं कि आखिर हजारों छात्र रेलवे भर्ती परीक्षा को लेकर नाराज क्यों हैं। 35,000 पदों पर ज्यादा लोगों को मौका देने के लिए रेलवे ने इस बार नियम बनाया था कि हर लेवल के लिए दूसरे चरण की CBT2 टेस्ट के लिए उपलब्ध पदों की संख्या से 20 गुना ज्यादा उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसके मुताबिक कुल 35,277 पदों के लिए 7 लाख से ज्यादा आवेदकों को शॉर्टलिस्ट किया जाना था, लेकिन दूसरे राउंड के लिए जिन कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया उनकी असली संख्या 3,84,000 है। यही कैंडिडेट्स की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह बनी। वहीं रेलवे ने इन पदों के लिए अगले राउंड की परीक्षा को जो 15 फरवरी 2022 को होनी थी उसे कैंडिडेट्स के विरोध को देखते हुए फिलहाल कैंसिल कर दिया है। साथ ही 5 सदस्यीय हाई पावर कमेटी का गठन किया है। रेलवे ने कैंडिडेट्स को अपनी शिकायतें दर्ज कराने के लिए करीब 3 हफ्ते यानी 16 फरवरी तक का समय दिया है। शिकायतों को सुनने के बाद कमेटी 4 मार्च को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। कैंडिडेट 16 फरवरी तक rrbcommittee@railnet.gov.in ईमेल पर अपनी शिकायतें और सुझाव दर्ज करा सकते हैं। कैंडिडेट्स का कहना है कि ज्यादा योग्यता वाले उम्मीदवारों के दोनों लेवल में चुने जाने से कम योग्यता वालों की उम्मीदों को झटका लगा है। और भी ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें दैनिक भास्कर आपके साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।